हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नवा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत गंभीर समस्या जिससे बहुत सारे लोग जूझते हैं, और वो है कि कई बार बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता है। कितनी बार तो वेट कम होने के बजाय बिल्कुल रुक जाता है, और हम प्रयास बहुत करते रहते हैं और धीरे धीरे एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगता है। अब होता क्या है, ये मेटाबॉलिक एडिप्शन का कारण हो सकता है। अब जानते हैं कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज रिजीम अच्छा बनाते हैं, कई लोग डाइट फॉलो करके वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस करने के लिए एक हेल्दी और सेफ डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कई लोग डाइटिंग के जरिए वेट लॉस करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे शरीर को फायदे की जगह नुकसान होने लगता है, जिसके कारण वेट कम होने के बजाय रुक भी सकता है, जिसे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समस्या से कैसे बाहर आ जा सकता है? तो चलिए बात करते हैं इस समस्या से बाहर आने वाले विशेष उपचारों की। मेटाबॉलिक एडेप्टेशन की स्थिति डाइटिंग के समय हो सकती है, और ऐसे में हम कम खाना खाते हैं। इससे बॉडी की एनर्जी नीड्स भी कम हो जाती है, जिसके कारण बॉडी को कम खाने की जरूरत होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म कम होने या रुकने की वजह से वजन कम होना भी रुक जाता है। अब यदि ये समस्या आपके साथ बार बार बढ़ती ही जा रही है और कम ही नहीं हो रही, तो आपको कुछ मेजर स्टेप्स जरूर उठाने चाहिए। पहली चीज है, डाइट से थोड़ा ब्रेक लें। वेट लॉस होना रुकने का मतलब है आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। इसे बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत होती है, इसलिए 1 से 2 सप्ताह अपनी वेट लॉस जर्नी पे काम ना करें। अपनी बॉडी को रेस्ट दें और नॉर्मल लाइफस्टाइल रखें। इसके बाद 200 से 300 कैलोरी घटाने की शुरुआत करें। दूसरी चीज, अपने वर्कआउट रूटीन को चेंज करें। अपनी वेट लॉस जर्नी को दोबारा ठीक करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करें, जिसके कारण आपका वर्कआउट रूटीन भी हो सकता है। इसलिए अपने वर्कआउट रूटीन को बदलने पर काम करें। अगर आप कार्डियो करते हैं तो लाइट एक्सरसाइज और योगा करने की आदत बनाएं। कुछ ही दिनों में आपको अपने वेट में फर्क नजर आने लगेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मेडिटेशन करने से आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो सकता है। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, इससे आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों रिलैक्स होंगे। इसलिए डेली मेडिटेशन करने की आदत जरूर बनाएं। इससे बॉडी में हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, और इससे वेट लॉस करना भी आसान होगा। चौथी चीज है, अपनी मनपसंद चीजों पे काम करें। बिजी लाइफस्टाइल के कारण खुद पर काम करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में कई चीजों के साथ फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स भी असंतुलित हो जाते हैं और वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी मनपसंद चीजों पे काम करें। आपको जिन चीजों में खुशी मिलती है उस पर ध्यान दें। यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप मेटाबॉलिक एडेप्टेशन से बाहर आने में मदद मिलेगी। लेकिन यदि ये समस्या काफी समय से बनी हुई है तो अपने फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो आशा करती हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए इसमें तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।